मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम जिलाधीश को ज्ञापन देकर कई प्रकार की मांगे की गई, जिसमें निजी हॉस्पिटल के पैकेज के नाम पर अवैध वसूली और कई अन्य मांगे भी उठाई गई। शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन देकर कई प्रकार की मांगे उठाई, जिसमें निजी हॉस्पिटल के पैकेज के नाम पर अवैध वसूली और निजी चिकित्सालय की मनमानी एवं उनके द्वारा किए जा रहे हैं अधिक वसूली एवं मनमानी फीस को लेकर 30 से अधिक प्रतिशत की राशि अवैध तरीके से वसूली जाती है। विभिन्न हॉस्पिटल नर्सिंग होम के अलग अलग भाव निर्धारित कर मनमानी फीस वसूली की जा रही है। इस पर प्रतिबंध करके रोक लगाई जाए। वहीं परिजनों को 40,000 से 80,000 का मनमाना बिल थमाना एवं अवैध तरीके से वसूली करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही कई अन्य प्रकार की मांगे शिवसेना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर की गई। तो आज शिवसेना हर गरीबों के सम्मान में और मरीजों के सम्मान में आज शिवसेना ने ज्ञापन दिया है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो 7 दिन में शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी और अभी आवेदन निवेदन करा है, अगले बार दे धनाधन का काम चालू होगा। इसमें अभी प्राइवेट सभी हॉस्पिटलों में धांधलियाँ चल रही है। हर हॉस्पिटल में एक मापदंड होना चाहिए, शिवसेना ये मांग करती है। शिवसेना से ये ज्ञापन देने यहाँ कलेक्टर साहब को आए थे कि जो भी अस्पतालों में, जो प्राइवेट अस्पतालों में जो धांधलियाँ चल रही हैं कि पैसा कम बताते हैं और ज़्यादा लेते हैं गरीब मरीजों से, तो उन लोगों के हम लोग सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं और आज हमने ये ज्ञापन दिया है। और यदि हमारी मांगे यहाँ पूरी नहीं हो पाती हैं तो अगली बार हम लोग आंदोलन करेंगे।